प्रदेश में 10 MLAs MP हो गए, उनकी जगह उनकी सीटें खाली हो गई और वहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहां पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दो कम्युनिटीज को, जो ये माना जाता है कि बीजेपी ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया है। और बड़े अधिकारियों को की तो बात छोड़िए, जो BLOs हैं, जो वोट बनाते हैं, जो चेक करते हैं कि कौन बढ़ना चाहिए, कौन आ रहा है, इस रेंज में आ गया है, उनकी सूची में से पूरी तरह से इन दो कम्युनिटीज के लोगों को निकाल दिया गया है। हमने सूची दी है और खासतौर से पुनर्की की हर जगह यही है पूरी, कि लोकसभा के चुनाव में कौन BLOs थे उस, और विधानसभा के चुनाव में कौन BLOs थे, विधानसभा के चुनाव के बाद अभी तैयारी की गई थी तब जो लिस्ट बनाई गई, ड्राफ्ट बनाई गई थी लिस्ट BLOs की, वो क्या थी और अब फाइनल लिस्ट क्या है। तो एक मतलब गलती से पुनर्की विधानसभा में जो BLOs हैं उनमें एक नाम मुस्लिम का गलती से जान नहीं पाए, वो साजिल से शुरू होता था कि ये आदिल का क्या है, सब हटा दिए गए। तो जब ये मंशा सरकार की हो तो सरकार की तरफ से चुनाव में धांधली होना तय है, बस यही चीज हम बताने आए थे यहाँ पर। तो क्या आश्वासन मिला सर? उन्होंने कहा पूरा निष्पक्ष चुनाव होगा और सब में जांच करा लेंगे, और अगर सही है जो शिकायत है तो उसका कार्रवाई करेंगे।